को नमस्कार। JBT का फैसला आया है, उसमें जो है ना सारे नियम कानून आपको भी पता है ताक पर रख दिए गए हैं। हालांकि मैं उस फैसले की आलोचना नहीं करता, मैं ये मानता हूँ भाई रोज़गार किसी का नहीं जाना चाहिए और वो रोज़गार बचा के ठीक ही किया है। और लेकिन सवाल एक और है, क्या यो है सुप्रीम कोर्ट और ये ही सरकार है, क्या PTI को नहीं बचा सकती, क्या ड्राइंग टीचर को नहीं बचा सकती? अब मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ रहा है, उसमें वो कह रहे हैं भी कोर्ट के डिसीजन के कारण इनके साथ अन्याय हो गया 13 वाला के साथ, और हमने इनका पक्ष मजबूती से रखा है। सर आप मुख्यमंत्री तो हमारे भी थे, PTI के भी मुख्यमंत्री आप ही थे, ड्राइंग के भी मुख्यमंत्री आप ही थे, और जो भर्तियाँ लटकी पड़ी कोर्ट में उनकी मुख्यमंत्री आप ही हो। आप सिर्फ 13 या 11 के मुख्यमंत्री नहीं हो, आप सब क्यों? आपने तो सबका पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ एक पक्ष को रखा। और कोई पक्ष यो पक्ष आप 2017 में भी रख सको थे, जब ये 1269 बार हुए तब भी रखना चाहिए था आपको, जब PTI बार हुए तब भी रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम आपकी मजबूती कहाँ चली गई और कहाँ कोर्ट के पास ये नियम नहीं थे क्या? अब ये हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 13 वाला के एडजस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मानता हूँ किसी को रोज़गार मिल गया तो वो नहीं जाना चाहिए, और कोर्ट ने सरकार ने ठीक किया है यो बिल्कुल मिला के, लेकिन यो है ठीक और जगह भी तो करना चाहिए भाई। चलो इनका रोज़गार बचा दिया और 11 वालों की भी बात रख दी, क्योंकि 11 वालों का मुद्दा यह था भाई 98-70 पोस्ट हमें दो, वो उनको दे दी भाई। पहले वो आएंगे मेरिट में भी, उसके बाद जो 1269 वगैरह जो जितने भी बार हों, मतलब 500-400 बार हैं, ज़्यादा नहीं बार हैं, वो अंदर आ जाएंगे रेगुलर पे और वेटिंग भी आ जाएगी। उसके बाद कोई पोस्ट बचती है तो वो उससे 11 को कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो दावा था वो पूरा होगा। उसके बाद अब सरकार है भाई 1231 लाओ या 14,000 लाओ, चलो ये कोर्ट भी इनकी सरकार भी इनकी मान ली सारी बात, परमिशन भी ली आई है सुप्रीम कोर्ट ने, परमिशन भी दे दी भाई, ये 98-70 से ऊपर भी भर्ती कर देंगे या भी मान ली, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, किससे ला दो नौकरी, उस तक कोई शिकायत नहीं। लेकिन यो जो अनुच्छेद 142 है, क्या निकाले गए ड्राइंग PTI के सभी साथियों को इसी दया भाव से नहीं रखना था? क्या मुख्यमंत्री जी को सीधा सवाल है भाई, क्या उनको ये जो आप मजबूती से पक्ष रखे आपको उसमें नहीं रखना चाहिए था? और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में भाई उनका रद्द क्यों हुई थी भर्ती और किसने करवाई, सारी बातें करेंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। जो भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करियो और जितना उसके इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइयो। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया भी सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए अति आवश्यक हो। और मैं मान गया भाई पूर्ण न्याय भाई 13 वाला के साथ भी गलत होता, ठीक हो गया एक तरह से, जो मुद्दा निमट गया, इसमें कोई ज़्यादा ही गुंजाइश नहीं है। हालांकि उनके साथ थोड़ा हा नई भर्ती भी सरकार एक निकाल देना तो जो बच्चे और हैं, क्योंकि पोस्ट तो देखो अभी खुद ही उन्होंने कह दिया 6,000 हैं, तो JBT तो सारे 1200-1400 एडजस्ट करने हैं, इससे ज़्यादा तो करने ही नहीं, तो इनके पास 2,500-3,000-4,000 पोस्ट बचती हैं। कम से कम एक नई भर्ती निकाल दे तो इन बच्चों का भी भला हो जाए, तरीका ये होना चाहिए। और इनको भी शिकायत ना रहे 13 वाले क्यों एडजस्ट करे, 11 वाले क्यों करे, वो एक मुद्दा अलग हो जाए। ये भी अपील करिए, कई साथियों ने फोन भर रखे ये भेज भेज कर, और बात जायज़ भी है भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक देश एक कानून यहाँ भी लागू करे, 816 और 1983 ने क्या गुनाह किया, ऐसी दया दृष्टि उन पर डालो। तो भैया अपील तो सीधी मुख्यमंत्री से भी है, अरे मुख्यमंत्री जी आप खुद मान लो भाई कोर्ट ने अन्याय किया, आपका अध्यक्ष मांगता है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वीडियो में चैनल पर साफ कहा भी कोर्ट के डिसीजन के कारण इनके साथ अन्याय हो गया। मैं मानता हूँ भाई 13 वाले के साथ मैं कभी एक भी बंदा ये ना कहूँ भाई मैं खिलाफ नहीं करा, लेकिन 13 वाले की भी कोई गलती नहीं थी, कोर्ट ने इजाज़त दी, सरकार ने ज्वाइन कराए, अब निकालना उनको गलत था। चलो उसका एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर दिया भाई, इनको जो है ना रख दिया पक्ष, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें घनी शिकायत किससे ना है भाई, सबका क्लेम सेटल हो गया, बात खत्म यार। लेकिन भाई थोड़ा सा इन्हें 1983 का नहीं सोचना चाहिए, इन 816 का नहीं सोचना चाहिए सरकार को। मैं आपको वो फैसला दिखाता हूँ जिस पर लागू आया था, ये वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई जिसका 2020 में डिसीजन आया और
सारे जो 10 साल 9 महीने की सर्विस है ड्राइंग टीचर की कर दी और 10 साल से ऊपर की पीटीआई की ख़त्म कर दी इसी सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन ने और इस सरकार के डिसीजन ने। वो बताऊँगा क्या है, नहीं तो इनको तो 5 साल में भी कह रहे मुख्यमंत्री भाई इनको 5 साल सर्विस करते हो गए और उनको तो 10 साल तो ऊपर हो गए थे, क्या उनका नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन भाई अंधेर कर दी है। अब यो रामजीत सिंह करदम वाला केस है, इसमें दिखाता हूँ मामला क्या था। दीज अपील हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कॉमन जजमेंट 30/9/13 का जो कॉमन जजमेंट आया था हाई कोर्ट का डबल बेंच का और डिसमिस एलपीए का भी आ गया था 11/9/2012 को, उनके खिलाफ यह अपील गई थी भाई सुप्रीम कोर्ट में, स्पष्ट होया था उसके बाद। अब उसने क्या करी कोर्ट दो नंबर है, द ब्रीफ फैक्ट्स नेसेसरी टू बी नोटेड फॉर डिसाइडिंग दीज अपील्स, जो मोटे मोटे फैक्ट्स हैं ब्रीफली है वे ये हैं। HSSC कमीशन वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 डेटेड 20/7/2006 इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट कैटेगरी नंबर्स इन एडवर्टाइजमेंट अंडर कैटेगरी नंबर 23/1983 पोस्ट ऑफ PTI, मेन मुद्दा इनका था। हालांकि पोस्ट इसमें बहुत सारी थी। और एक बात और बताऊँ, 60 अकेडमिक और 30 इंटरव्यू उन पोस्ट में भी था। पंजाबी की हो रही है TGT पंजाबी की, TGT संस्कृत की भर्ती हो रही है भाई ये, इन पर हालांकि केस वेस हुए थे लेकिन सब डिसमिस हो गए। उनमें भी हुआ था कि इंटरव्यू के नंबर ज़्यादा दिए लेकिन वो डिसमिस कर दिए, सिर्फ ये भर्ती राजनीति की भेंट चढ़ा दी दो। हालांकि पूरी भर्ती में क्राइटेरिया किसी का टेस्ट नहीं लिया गया है, 2006 की कोई सी भर्ती ठाक देख लियो, मैं तो वित्त तथ्य बात करूँ हूँ। उनमें सब में 60 नंबर अकेडमी के 30 नंबर इंटरव्यू के, और संस्कृत भर्ती पर तो एक आदमी ने कले कैंडिडेट ने केस भी कराया था कि जी मेरे इंटरव्यू में कम लगाए उनके ज़्यादा लगा दिए, ये कहना कि इंटरव्यू में कम दिए। उसमें कोर्ट ने कहा था इंटरव्यू नंबर सरकार की मर्जी किसी के कह दे, लेकिन फिर मैं कहूँ कोर्ट के भी डिसीजन भाई विरोधाभासी हैं, इस केस में नहीं बोली ना इंटरव्यू के नंबर कैसे ज़्यादा दे दिए, ये बात हुई थी। अभी आपको बताता हूँ ये आगे वर्ड एडवाइज, द एडवर्टाइजमेंट मेंशन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज कंटेन्स ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, उसमें जो है ना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दी, और एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी भैया, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मेरे घर का नहीं है भाई। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के थी, द प्रेस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इन्होंने कहा था भाई जो एसेंशियल या प्रेस्क्राइब्ड जो भी क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द कमीशन यानी HSSC में शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू बाई होल्डिंग ए रिटन टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ ए रैशनल क्राइटेरिया टू बी अडोप्टेड बाई द कमीशन, ये भी इस बात को समझियो भाई। द कमीशन में शॉर्ट लिस्ट यानी कमीशन शॉर्ट लिस्ट कर सकता है इंटरव्यू के लिए बाई होल्डिंग ए रिटन टेस्ट, या तो एक रिटन टेस्ट ले सकता है और, अब इसमें देखो और लिखा है, और ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल क्राइटेरिया, रैशनल यानी जो पारंपरिक यानी जो पीछे से क्राइटेरिया होता आ रहा है। तो कमीशन ने ये फिक्स नहीं किया था कि हम टेस्ट लेंगे ना, उन्होंने कहा था हम या तो टेस्ट लेंगे या फिर जो रैशनल क्राइटेरिया है यानी जो पीछे से जो होता रहा है, जैसे 2004 की भर्ती 2000 की वो सारी 60 नंबर का एकेडमिक और 30 नंबर के इंटरव्यू हो रही है भाई, तो इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये फिक्स नहीं किया था कहीं भी हक भाई हम टेस्ट लेंगे ना, इन्होंने कहा था और या तो टेस्ट लेंगे या पारंपरिक तरीके से भर्ती करेंगे टू बी अडोप्टेड बाई द कमीशन यानी जो पीछे से हो रही है। अब आगे क्या है, द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट मोड ऑफ एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एट एसेट्रा विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, यानी उन्होंने कह दिया कमीशन का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा और सब कैंडिडेट को वो मानना पड़ेगा, हर एक को मानना पड़ेगा। नो इंक्वायरी और कॉरस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, ना तो कोई इंक्वायरी कर सकता ना कोई पत्राचार या कॉरस्पॉन्डेंस कर सकता उनके साथ, ये इन्होंने साफ कहा था। तो एक तन्यू को है ना, एक आरोप तो यह क्राइटेरिया चेंज कर दिया, कहाँ चेंज किया भाई, साफ लिखा था कि हम दोनों तरीके से में से कोई सा भी कर सके हैं, क्राइटेरिया चेंज वो होता जब इसमें न्यू लिखा हो अग भाई हम टेस्ट ही लेंगे और वो क्राइटेरिया बदल के इन्होंने रेशनल तरीके से इंटरव्यू से भर्ती की हो ना, इन्होंने कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं किया बल्कि दोनों क्राइटेरिया थे और कमीशन के पास अधिकार था वो चाहे कोई सा काम करो। इब जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यू कहे ना क्राइटेरिया चेंज कर दिया, सबसे बड़ा गलती तो यह हो रही है
और ये वकील है और यह सरकार ने कराई ही ने वो ये बात नहीं उठा पाए टाइम पे। अब भाई वो मुद्दा के हर वकील उठाओ भी तो डॉक्यूमेंट तो सरकार ने देने हैं, सरकार के पास एक भी कागज नहीं ना दिया उनने, दिया नहीं। मैं उड्डा को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं कति भ्रष्ट कराया उन्होंने काम, क्योंकि डॉक्यूमेंट रखने कागजाएँ फाइलें पेटा भरना सरकार का काम था, बोर्ड का काम, कैंडिडेट का नहीं था। और उस रही से ही कसर इस सरकार ने काट दी भाई, इनने कति खड़े हो गौड़ा और भर्ती रद्द करवाई है कह के। नहीं तो ये बात हुई थी, कोर्ट ने कहा था भाई 68 पटिशनर आप इनको क्लेम सेटल क्यों नहीं करते, आप इनको एडजस्ट कर दो, बात खत्म हो, मैं इसे मुद्दे को ख़त्म कर देता हूँ। कोर्ट ने अब स्पीकिंग ऑर्डर में थी बात, इन्होंने क्या कहा, अग जी पीटीआई का डाइंग कैडर है, हमारे पास कोई पोस्ट खाली नहीं है, हम किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते। अब वो जज भी के करता भाई, जब सरकार सरेआम ना टलना रही। उसके बाद 5 महीने की बात आई, अग जी 5 महीने या भी आई थी, उस टाइम भी सरकार ने यूँ की थी कि हमने इनकी ज़रूरत नहीं, आप इसने होने दो, मतलब खड़े होकर भर्ती रद्द करवाई थी, वह रद्द करवाई थी तो भैया तेरा आड़ा ने थारे तो के दे दिया भाई, जो तुम्हें कितनी कड़ी पैरवी कर रहे हो, थोड़ी पैरवी उनकी भी करनी चाहिए थी, वो तो इन तभी ज़्यादा आदमी थे, इन तो डबल सर्विस थी, इनकी 5 साल की उनकी 10 साल की सर्विस। तो कुल मिलाकर बात की है भाई, गलत कराया गया, सरेआम कराया गया, और इसकी सजा अगर कि भगवान है तो इनने ज़रूर मिल लगी जिनने योग कराया है और जिनने करवाया है। अब बात करते हैं फाइनल की, अब इसमें देखे डिसीजन देखिया, इन व्यू ऑफ दी फॉरगोइंग डिस्कशन एंड कंक्लूजन दी वी डिस्पोज ऑफ दीज अपील विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। डायरेक्शन सुनियो इनकी, द कमीशन सेल कंक्लूड द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 एज पर द क्राइटेरियन नोटिफाइड ऑन 28/12/2000। तो यह जो भर्ती हुई है ना भाई पेपर वाली, यो क्राइटेरिया 21/8/2006 का कोई ना 28/12/2006 का है, और मैं दावे के साथ हूँ एक आदमी मैंने ये लिखा दिखा दो, अभी टेस्ट होना है, केवल टेस्ट होना है, किसी भी डॉक्यूमेंट में 21/8/2006 से पहले के में, बाद के में तो है, बाद के में तो 28/12 के अखबार में भी कट ना कम टेस्ट लेंगे, लेकिन इनकी मर्जी थी भाई ये टेस्ट लो या फिर सीधी इंटरव्यू तो भर्ती करो, किसी खाने में न्यू नहीं लिख रखा था, सिर्फ टेस्ट लेना ना, दो क्राइटेरिया बनाए थे इन्होंने, या तो हम टेस्ट लेंगे 200 नंबर का टेस्ट 25 नंबर का इंटरव्यू, या हम पारंपरिक तरीके से जो भर्ती हो रही है उस तरीके से करेंगे जैसे 2004 की हुई 2000 की हुई। आज से पहले पीटीआई में कभी टेस्ट होया ही नहीं था, सीधी बात तो यहाँ 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, कभी टेस्ट नहीं किसी भर्ती में, उस भर्ती में 2006 के विज्ञापन में 2224 कैटेगरी थी, किसी भर्ती में टेस्ट नहीं था, सब में एकेडमिक और इंटरव्यू के, और एक बात और इंटरव्यू 30 नंबर का ही था सब में। लेकिन भाई ये भर्ती राजनीतिक द्वेष में एक उड्डाना फंसाओगे उस चक्कर में रिजेक्ट की गई है, ना तो किसी कैंडिडेट का फर्ज था, बाई चांस किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ थी तो वह चेक करने वाली गलती है, सिक्योरिटी कमेटी गलती, भर्ती करने वाली गलती है, उस कर्मचारी पर पर्सनली एक्शन लिया जा सकता था, उसका कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए था, वो लाग गया तो उसके बाद रद्द कर देते, उस पर FIR दर्ज करा देते, हम तो सिद्ध को भाई अगर किसी का एग्जाम गलती है तो उस पर FIR करो, पूरी भर्ती रद्द करने का केतु कर। लेकिन मैं शर्त मार के कहूँगा भर्ती केवल केवल राजनीतिक, उससे भर्ती रद्द हुई ना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं होनी थी। देखो हाईकोर्ट तो फैसले दे दे है, ये नतीबे 13 का भी निकाल दिया था, ना निकाला हो तो बता दो, ऐसे ही PTI का कर दिया था इन्होंने तो यहाँ के भर्ती पहले के, सुप्रीम कोर्ट सहज सी गलती नहीं करता है, वहाँ से जो भी डिसीजन आता ना वो ये सोच के ही देते हैं अगर भाई इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ा। अगर नॉर्मली 99% डिसीजन जो ना कर्मचारी के हक में देते हैं। अब कई साथी ने उस सवाल कर थे क्योंकि मेरा तो विरोध हो है, अगर PTI ड्रैंक को क्यों नहीं मिली, इनको कैसे राहत मिलेगी। मैंने जब भी कहा भाई PTI ड्रैंक का मैटर अलग था, उनके सरकार खिलाफ थी, सरकार चाहती थी भर्ती रद्द करना, खुद केस खुलवाया था इनने, लेकिन 13 को राहत मिल सकती है वो अब मिली। अब वो विरोध करने वाले भी खुद सोच लो क्या कह रहे थे, जो PTI ड्रैंक और 13 के साथ तुलना कर रहे थे वो गलत था भाई, 13 की भर्ती सरकार ने खुद रद्द कराई थी और ना इसकी PTI की, तो और 13 वालों को सरकार बचाना चाहती थी। अब आप खुद देख लो कोर्ट ने तो जो सरकार ने कहे उस सब मोर ला दी, हालांकि कोई नियम कानून कहता नहीं अगर इस प्रकार से ये डिसीजन आना चाहिए था ना, नियम नामों के अनुसार ना है, यो तो एक कंसेशन दे दी अनुच्छेद 142 बना दिया, अब यो नहीं बेरा यो अनुच्छेद
पीटीआई के टाइम पे की चाह रहा था भाई, ना तो उस टाइम भी कह सके थे अगर भाई इस पर इंक्वायरी बैठा दो भर्ती पे, और जिसके डॉक्यूमेंट में खामी है उनको तो बाहर करो, मैं भी कहूँ भाई उनको करो बाहर, और इसको पूरी जांच करा लेते। इसमें ना तो कोई लेन देन होया, कोई एक भी मेला फाइड हो, कोई रिश्वत का मामला हो, कोई और कुछ हो ना, सिर्फ क्राइटेरिया का था। क्राइटेरिया न्यू कहते भाई बदल दिया, लेकिन मैं देखिए कोर्ट ने तो ना मान्य भाई, क्योंकि कोर्ट पर सरकार मनवा हुआ है, यानी कि वकील बनो इन ने कुछ दिया है कोई ना, तो कोर्ट ने भी ठाकर 28/12 वाले पर डिसीजन देख लियो, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट में लिख रखे। मैं नहीं कहता भाई, इससे 28/12/2006 के नोटिफिकेशन पर दोनों भर्ती कर दी, हालांकि चालू होना चाहिए था 21/8/2006 का, जिस दिन लास्ट डेट है उस डेट पर क्राइटेरिया सेट होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास ये हो रहा है कि आज तक इस बात पर कोई बात नहीं करता, क्राइटेरिया चेंज हो गया, क्राइटेरिया चेंज हो गया। कोर्ट की भी नहीं समझता इस बात ने भाई, यो क्राइटेरिया चेंज को ना था, नहीं चेंज था यो। लेकिन एक आधा न्यू कह गई बेकूफ़ एक आधा कहोगा, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में कहना भाई कही थी पर कोई ना सुने तो क्या करें, जब सरकार किसी ने ना सुन दे तो कोई क्या करेगा, रखी था हमने ये बातें भी थी, लेकिन कोई ना सुने तो क्या करें। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चाहता, और वैसे स्पष्ट बात बताऊँ चाव भी था, लेकिन वहाँ पे जब भी उसने कोई सवाल कराया एडजस्टमेंट की कही या इनका कही भी इनका क्या होगा, तो सरकार ने दो टूक मना कराया था, कुल मिला कर या भर्ती जो ना राजनीतिक उससे रद्द हुई थी, किसी और कारण तरद ना हो रही, ना किसी कैंडिडेट का फॉल्ट, ना कोई क्राइटेरिया चेंज हो रहा। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, और इसमें भी कोई शक लग गया तो बता दो भाई, इसमें तो सब क्या दिखा दिया है, 28/12 नोटिफिकेशन के आधार पर यह भर्ती हुई है, होनी चाहिए थी 21/8/2006 के, और 21/8/2006 का नोटिफिकेशन योग हुआ है अगर HSSC चाहे टेस्ट ले चाहे पारंपरिक तरीके से 30 नंबर के इंटरव्यू तो भर्ती करे, कुछ वो उसकी मर्जी है, जो होगा जी करेगा वो होगा, फाइनल डिसीजन वो होगा। लेकिन भाई सारी बातें नहीं चलती, मैं अपनी बात अब ख़त्म करूँ भाई, यो एक अन्याय हुआ था सारे समाज ने, सिस्टम ने, सरकार ने, और अगर कोई न्यायविद हो इसमें उसने भी सोचना चाहिए, या वीडियो अगर पहुंचती हो तो उनने भी नहीं सोचना चाहिए भाई हमने ये क्या कर दिया, और इतने आदमी के साथ क्यों कर दिया, और सजा देनी है तो भाई ब्रिगेडियर पुनियान दे देते, उनके चेयरमैन ने दे देते भाई, हम भी राज्य थे, लेकिन उनको कोई ना दी गई सजा, मिली सिर्फ कर्मचारियों को, और आप सबको पता है कर्मचारियों की गलती कभी नहीं होती, और उसमें तो थी नहीं, उसमें तो कोई न्यू भी ना था, कोई खिलाफ तो मैं केस में गया था और कुछ गया था, अभी कोई ऐसा कर्मचारी गया हो जो कर 11-13 का मैटर वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर तो सिर्फ यो था कि न अनाप शनाप आरोप लाए थे, वो आरोप कोर्ट में जाकर 1.5 दिन मान लिए, मान क्यों लिए, क्योंकि सरकार मनवाओ थी भाई, इस सरकार को कागज ना देगी तो वकील भी क्या कर लेगा, मैं भी क्या कर लूँगा, मन तो जब भी था कि वो गलत हो रहा है, लेकिन हम कर केस कहे हैं, हमने तो आज भी मेरा आगे न्यू हो रहा है, लेकिन कर केस कहें जब सिस्टम ना हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की डेट ना मिल रही, हम कर केस कहें भाई, सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने कह दी ना मिलती, पता क्या करें, तो ऐसी बात ना पता ना था, पता तो सारी चीज़ों का था। बाकी भाई बात ख़त्म या करूँ भाई, 13 के साथ मैं मानता हूँ ठीक कह दे दिया भाई, कोई बात ना, सबका भला होना चाहिए, ये डिसीजन घना गलत ना है, अगर इसमें एक चीज़ और ऐड कर दे ना, अगर नई भर्ती के और ऑर्डर कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो और अच्छा था, अगर जितनी पोस्ट आप 6,000 कह रहे हो 13 को एडजस्ट करके और उसके बाद नई भर्ती निकाल दो, मैं उस डिसीजन को बहुत बढ़िया मानता, कम से कम उन बच्चों का भी भला होता। और अब बात आती है भाई PTI ड्रैंक की, भाई सबसे बड़ा अन्याय समाज में, अगर कोई समझता तो होता है और सोचेगा और पढ़ेगा डॉक्यूमेंट तो भाई इसके साथ यार, उसमें कोर्ट भी बराबर की दोषी है ना, तो यो 142 तो उस टाइम भी होगा भाई, क्या उस टाइम राहत नहीं दी जानी चाहिए थी, अब यह इतनी बड़ी एक पहाड़ जिसी राहत दे दी, एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट भी ख़त्म और कट ऑफ डेट भी ख़त्म, यानी कि सारे नियम कानून ख़त्म हो गए, उस भर्ती में तो सिर्फ एक का नियम था और वो भी नियम दोनों थे एक फॉलो कर दिया HSSC ने, इसमें तो सारे नियम तोड़ दिया कती है, आप बता दो कोई नियम रह गया हो तो। लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूँ भाई यो गलत होया था, समाज ने सिस्टम ने इतना तो जरूर सोचना चाहिए भाई इनके साथ हमने यो के किया। धन्यवाद भाई।